ऐश्वर्या राय बच्चन और आराधना का किस क्यों वायरल है, वो कौन एक्टर हैं जो फिल्म सेट पर बेहोश हो गए, एमटीवी स्प्रिट्स विला में कौन कौन सी हसीनाएं नजर आने वाली हैं और भी बहुत सारी बातें हैं आज के बी टाउन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं द बी टाउन शो। दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाबिल भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। हाल ही में बाबिल की अपकमिंग फिल्म काला का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस दौरान बाबिल ने कहा कि वह स्क्रीन पर अपने पिता के क्रिएट किए हुए मैजिक की कॉपी नहीं करना चाहते हैं, इसके बजाय वो खुद की ट्रिक्स दिखाना चाहते हैं। अप्रैल 2022 में इरफान खान के निधन के कुछ महीने बाद बाबिल ने अपनी अपकमिंग नेटफ्लिक्स फिल्म की शूटिंग 2 साल पहले शुरू कर दी थी। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर बाबिल ने ये बताया और माना कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव था, लेकिन अब ये उन्हें इंस्पायर करता है। 2 years ago जब हम शूट कर रहे थे तब ये प्रेशर हावी पड़ता था, डरा देता था मुझे। अब डराता नहीं है, मोर जस्ट मोटिवेट्स मी टू गेट आउट ऑफ बेड एंड जस्ट वर्क। आई थिंक या प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया है मेरे अंदर। राइटर फिल्म मेकर अवनीता दत्त की फिल्म काला की कहानी 1940 दशक की कोलकाता की एक युवा सिंगर बेस्ड है, जिसका रोल तृप्ति डिमरी निभा रही हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि तृप्ति डिमरी के किरदार को म्यूजिक से नफरत है, हालांकि आगे चलकर वो एक बहुत बड़ी सिंगर बनती है। तृप्ति अपने करियर की ऊंचाइयों पर होती है, तभी एंट्री होती है जगन नाम के एक हीरो की, जो लोगों को रिप्लेस कर उनकी जगह लेने के लिए जाना जाता है, जिसके बाद तृप्ति का क्रेज कम होने लगता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। फिल्म में जगन का किरदार इरफान खान के बेटे बाबिल निभा रहे हैं। वह ट्रेलर में उनका किरदार बेहद ही दमदार लग रहा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को जमानत दे दी है। जैकलिन अब कोर्ट की अनुमति से विदेश यात्रा पर जा सकती है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में अपनी बेटी आराधना के बर्थडे पर एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस फोटो में देखा जा सकता है ऐश्वर्या अपनी बेटी आराधना को लिप किस कर रही हैं। जैसे ही ये फोटो सोशल मीडिया पर आई, उसके बाद कई लोगों ने इस तस्वीर की आलोचना की और कई लोग माँ बेटी के प्यार को जज करने वाले लोगों पर नाराज होते दिखे। पूरा मामला कुछ इस कदर है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी लाडली बिटिया आराधना के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर एक क्यूट सी तस्वीर शेयर की। बच्चन परिवार की सबसे लाडली और छोटी आराध्या का जन्म 16 नवंबर 2011 को हुआ था, यानी कि अमिताभ बच्चन की पोती आज 11 साल की हो गई है। और आराध्या की मम्मा यानी कि ऐश्वर्या ने अपने पोस्ट में आराध्या पर खूब प्यार बरसाया। ऐश्वर्या ने आराधना को लिप किस करते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इस फोटो को लेकर कई लोगों ने बधाइयां दी, तो ऐसे कुछ लोग भी थे जिन्होंने इसको लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस फोटो को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और देखने के बाद आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये फोटो आपको कैसी लगी। MTV स्प्लिट्स विला रियलिटी शो की शुरुआत हो चुकी है। ये 14वां सीजन है और ये एक ऐसा रियलिटी शो है जहां पर लड़के और लड़कियां एक दूसरे का अटेंशन पाने के लिए फाइट करते हैं। हर कोई अपने ड्रीम बॉय को पाने का सपना लिए इस शो में एंट्री लेता है। कई सीजन से सनी लियोनी और रण विजय इस शो को होस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार मेल होस्ट की बात करें तो रण विजय की जगह अर्जुन बिजलानी नजर आ रहे हैं। MTV स्प्लिट्स विला सीजन 14 की खास बात ये है कि सोशल मीडिया क्वीन उर्फी जावेद भी स्पेशल तौर पर ही सही कंटेस्टेंट बनकर गई हैं। उर्फी अपने अतरंगी फैशन और चॉइस की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। उर्फी 25 साल की हैं और उससे पहले वो बिग बॉस OTT का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उर्फी की बात करें तो बहुत बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। TV सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। शो में आते ही उर्फी ने कैट फाइट करना शुरू कर दिया है।
उर्फी के अलावा साक्षी त्रिवेदी जो 20 साल की हैं, साक्षी एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और सोशल मीडिया स्टार हैं, ये भी शो में धमाल मचा रही हैं। इन दोनों के अलावा एक बिजनेस वूमेन और मॉडल यानी कि कोलकाता की आकाश लीना चंद्रा भी शो में शामिल हैं। और कशिश ददलानी, ओवियाल दरनाल, पेमा लीलानी, आराधना वर्मा, श्रिया प्रसाद, साक्षी श्रीवास, सौम्या भंडारी, ये खूबसूरत सोशल मीडिया स्टार और मॉडल्स इस शो में शामिल हैं। प्रभास सैफ अली खान कृति सनन स्टार ऑफ फिल्म आदिपुरुष खबरों में बनी हुई है। पहले इसकी रिलीज डेट में बदलाव किए गए, फिर कहा जा रहा था कि इसके VFX में बदलाव किए जा रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि सैफ अली खान का लुक भी चेंज किया जाएगा। डायरेक्टर ओम राउत की फिल्म आदिपुरुष पिछले 1.5 महीने से सुर्खियों में छाई हुई है। जब से फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है तब से इसे ट्रोल किया जा रहा है, कभी इसके VFX को लेकर तो कभी सैफ अली खान के रावण वाले लुक को लेकर तो कभी इसकी कहानी को लेकर, और इसके बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को बायकॉट करने की मांग की गई थी। इसके बाद मेकर्स ने इस फिल्म को जनवरी 2023 में रिलीज के बजाय जून में रिलीज करने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बदलाव करेंगे और अब खबर आ रही है कि सैफ अली खान के लुक को भी चेंज किया जाएगा। दरअसल सैफ अली खान आदिपुरुष में रावण का रोल कर रहे हैं। जब टीजर रिलीज हुआ था तभी इनके लुक को लेकर विवाद शुरू हो चुका था। इनकी दाढ़ी मूछ पर लोगों ने आपत्ति जताई, सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ था। अब एक्टर की दाढ़ी और मूछों को VFX के जरिए हटाए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान के लुक पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, अब इसे डिजिटली एक्टर के लुक को चेंज किया जाएगा। अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं है लेकिन टीजर की रिलीज के बाद जितने बदलाव किए गए उसमें 30 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो चुका है और आदिपुरुष अब 16 जून 2023 को रिलीज होगी। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा जब इस साल अगस्त में थिएटर्स में रिलीज हुई तो बुरी तरह से पिट गई, वो अपना एवरेज भी नहीं निकाल पाई। लेकिन जब ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया तो इसे खूब तारीफें मिली। जिन लोगों ने इस फिल्म को थिएटर्स में नहीं देखा और इसे बायकॉट किया, ये लोग अब OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के बाद मेकर्स से माफी मांग रहे हैं। जिसके बाद एक्टर मानव वीज ने कहा कि जो भी लोग OTT पर लाल सिंह चड्ढा को देखने के बाद मेकर्स से माफी मांग रहे हैं वो आमिर खान को 500-500 रुपए ट्रांसफर कर दें। मानव ने और कहा कि लोगों की बेवकूफी के कारण लाल सिंह चड्ढा जैसी अच्छी फिल्म पिट गई और आमिर को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में आमिर खान ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले 1.5 साल तक एक्टिंग नहीं करेंगे। वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लाल सिंह चड्ढा फिल्म कैसी लगी, अपना रिव्यू देने के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। लाल सिंह चड्ढा 1994 में आई टॉम हैंक्स की फिल्म फॉरेस्ट गैप का रीमेक थी जो सिर्फ मुश्किल में 58 करोड़ की कमाई ही बॉक्स ऑफिस पर कर पाई। एक्ट्रेस सामांथा प्रभु ने जब से अपनी बीमारी का खुलासा किया है तब से उनके फैंस काफी परेशान हैं। सामांथा ने कुछ हफ्ते पहले बताया कि वो एक बीमारी से गुजर रही हैं जिसके चलते वो अपने बेड से भी उठ नहीं सकती है। लेकिन हाल ही में सामांथा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, उसके बाद उनके फैंस काफी भावुक हो चुके हैं। ये वीडियो सामांथा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है जिसमें वो वर्कआउट करते हुए नजर आ रही है पर हाथ में IV ड्रिप लगा हुआ है। बीमार होने के बावजूद भी फिटनेस के लिए सामांथा का समर्पण देख फैंस हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर सामांथा का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं और सामांथा को ठीक होने की प्रार्थनाएं की जा रही हैं। सामांथा की फिल्म की बात करें तो इनकी फिल्म यशोदा को तेलुगु और तमिल भाषा में शूट किया गया था। इसे हिंदी भाषा के अलावा कन्नड़ और मलयालम भाषा में 11 नवंबर को रिलीज किया गया जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। शाहरुख खान स्टार ऑफ फिल्म चक दे इंडिया लोगों को काफी पसंद आई। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म के टाइटल ट्रैक चक दे इंडिया को लोगों ने काफी पसंद किया था
और जब भी ये गाना बजता है तो लोगों में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। इस गाने को लेकर संगीतकार सुलेमान मर्चेंट ने कहा कि आदित्य चोपड़ा ने इस गाने को 6 से 7 बार रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हमने हार नहीं मानी और इस गाने को परफेक्ट बनाया और फिर हिट हो गया। इसके अलावा सुलेमान ने ये भी कहा कि एक वक्त ऐसा था कि हम फिल्म छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन संगीतकार जयदीप सहानी ने गाने पर काम किया और फिल्म मेकर्स को ये गाना पसंद आ गया। टॉलीवुड के एक्टर नागा शौर्य डिहाइड्रेशन के चलते फिल्म के सेट पर बेहोश हो गए, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उन्होंने फाइट के एक सीन के लिए पिछले 4 दिन से अपनी डाइट से पानी को हटा दिया था, यानी कि वो पानी नहीं पी रहे थे। उनका टेम्परेचर बढ़ गया था, लेकिन अब वो ठीक हैं। फिल्म दृश्यम 2 में अजय देवगन के साथ लीड रोल में श्रिया सरन नजर आ रही हैं और इसी वजह से वो इन दिनों सुर्खियों में है। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में श्रिया का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया, साथ ही अब उन्हें मुंबई के एक रेस्टो के बाहर स्पॉट किया गया। इस मौके पर श्रिया का किलर लुक लोगों को पसंद आया और ये लुक लोगों को घायल कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिल्म दृश्यम 2 की बात करें तो ये 18 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।